नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम जानेंगे कर्पूरी ठाकुर के बारे में। बिहार में एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी सादगी, ईमानदारी और राजनीतिक पवित्रता का उदाहरण आज भी दिया जाता है। ऐसे में आज हम बात करेंगे बिहार के जननायक कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बारे में। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पिताउझिया में हुआ था। वर्तमान में इस गांव का नाम बदलकर कर्पूरी गांव कर दिया गया। कर्पूरी ठाकुर एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और राजनीतिक थे। बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री और दो बार मुख्यमंत्री रहे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया इनके राजनीतिक गुरु थे। वे 1970 के दशक में दो बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। मंडल आंदोलन से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया था। कर्पूरी ठाकुर के हाथों में कुल मिलाकर 2.5 साल तक बिहार का शासन रहा। वे लोगों के बीच इतने लोकप्रिय थे कि 1952 की पहली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बिहार विधानसभा चुनाव कभी नहीं हारे। एक किस्सा कर्पूरी ठाकुर के बारे में बताया जाता है कि 1952 में कर्पूरी ठाकुर पहली बार विधायक बने थे। उन्हीं दिनों उन्हें राष्ट्रीय जाने वाले एक प्रतिनिधिमंडल में चयन हुआ था। उनके पास कोट नहीं था तो एक दोस्त से उन्होंने कोट मांगा, वह भी फटा हुआ था। खैर, कर्पूरी ठाकुर वही कोट पहनकर चले गए। वहाँ यूगोस्लाविया के शासक मार्शल टीटो ने देखा कि कर्पूरी का कोट फटा हुआ है तो उन्हें नया कोट गिफ्ट कर दिया। जब वे मुख्यमंत्री थे तो उस समय का एक और किस्सा बताया जाता है कि उनके गांव में कुछ दबंग सावंतों ने उनके पिता को अपमानित किया। खबर फैली तो डीएम गांव में कार्रवाई करने पहुंच गए, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने कार्रवाई करने से रोक दिया। उनका कहना था कि दबे पिछड़ों का अपमान तो गांव-गांव में हो रहा है, सबको बचाए पुलिस तो कोई बात हो। 1960 के दौर में देश में कांग्रेस के खिलाफ समाजवादी आंदोलन तेज हो रहा था। 1967 में आम चुनाव में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया गया। इस चुनाव में कांग्रेस पराजित हुई और बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इसके बाद बिहार में आम लोगों के साथ पिछड़ों की भागीदारी बढ़ी। इस सरकार में कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री बने। उप मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। इसके चलते उनकी आलोचना भी खूब हुई, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने शिक्षा को आम लोगों तक पहुंचाया। इस दौर में अंग्रेजी में फेल मैट्रिक पास लोगों को मजाक में कर्पूरी डिवीजन भी कहा जाता था। 1971 में मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स को बंद कर दिया। बिहार में 1977 में हुए चुनाव में जनता पार्टी की जीत हुई, जिसमें कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने। यह वह समय था जब देश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग तेजी से चल रही थी। इसी समय कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ों के लिए प्रदेश में 27% आरक्षण की मंजूरी दे दी थी। वे पहली बार 1952 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बिहार विधानसभा पहुंचे थे। उसके बाद वे कभी चुनाव नहीं हारे, लेकिन इनकी ईमानदारी ऐसे की राजनीति में इतना लंबा सफर तय करने के बाद जब उनका निधन हुआ तो उनके पास परिवार को विरासत के रूप में देने के लिए एक मकान तक नहीं था। गांव में जो उनकी पारिवारिक संपत्ति थी उसमें उन्होंने एक इंच तक नहीं जोड़ा और पटना में उन्होंने रहने के लिए एक घर तक नहीं बनाया। वर्तमान में उनके बेटे रामनाथ ठाकुर जदयू से राज्यसभा सांसद हैं। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हेमवंती नंदन बहुगुणा ने अपने संस्मरण में लिखा है कि कर्पूरी ठाकुर के आर्थिक तंगी को देखते हुए देवीलाल ने पटना में रहने वाले एक हरियाणवी मित्र से कहा था कि कर्पूरी जी, कभी आपसे 5-10 हजार रुपये मांगे तो आप उन्हें दे देना, वह मेरे ऊपर आपका कर्ज रहेगा। बाद में देवीलाल ने अपने मित्र से कई बार पूछा, भाई कर्पूरी जी ने कुछ मांगा? हर बार एक ही जवाब आता था, नहीं साहब ने तो कुछ नहीं मांगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर का निधन 64 साल की उम्र में 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद हेमवंती नंदन बहुगुणा उनके गांव गए थे। कर्पूरी ठाकुर की पुस्तैनी झोपड़ी देखकर बहुगुणा रो पड़े। उनकी श्रद्धांजलि सभा में पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी समेत कई नेता मौजूद थे। बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी ही हस्तियों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।